हेलो फ्रेंड्स, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता मीठा और हमारा टॉपिक है जो हम कर रहे हैं वो है एमएस एक्सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले जो वीडियो है उसमें एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में सारी बात कर चुके हैं कि एमएस एक्सेल क्या है या उसका किस तरीके से यूज़ करना है। आज हम एमएस एक्सेल के फंक्शन शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको बेसिक फंक्शन से शुरू करवा रही हूँ। तो एमएस एक्सेल के जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखे हैं हमने। काउंट फंक्शंस अलग हैं, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शंस, तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है टेक्स्ट फंक्शन और डेट फंक्शंस के ऊपर। तो टेक्स्ट फंक्शंस को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल यहाँ आप लोगों के सामने बना रखी है, जिसमें हमने नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ ले रखा है। और टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से हैं जो मैं आपको करवाऊंगी उसकी भी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाई हुई है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं टेक्स्ट फंक्शंस को। तो पहला जो फंक्शन है टेक्स्ट के लिए वो है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन क्या होता है, आप देखें यहाँ पर एक टेबल बना रखी है मैंने नेम की। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये जो वर्ड है, स्पेलिंग है नरेश कुमार, इसमें नरेश के आगे भी एक्स्ट्रा स्पेस है और कुमार के बीच में भी स्पेस है, कहीं पर कोई स्पेस कम ज़्यादा है। तो मतलब अलग तरीके से, जैसे इसमें भी हम मान लीजिए ऐड कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ स्पेस है, इसके पीछे यहाँ स्पेस है, तो ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर इसको मैं एक प्रॉपर वे में स्पेस को हटाकर एक्चुअल जो पोजीशन है इसकी, वैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिम फंक्शन। तो सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, ट्रिम। ट्रिम फंक्शन के लिए क्या होता है, देखो इज इक्वल टू का साइन आप लोग हमेशा याद रखिए कि एक्सेल में आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन काम करता है। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पर जो फंक्शन आप लगा रहे हैं वो लिखिए। आपने लिखा ट्रिम, ट्रिम लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू कीजिए और आप किस टेक्स्ट को ट्रिम करना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ अपनी जो प्रकाश कोर है वो B4 में लिखा हुआ है। तो एक तो डायरेक्ट आप चाहें या टाइप कर सकते हैं B4, वो सेलेक्ट हो गया B4 आप देख रहे हैं, या आप क्या करें डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए B4 और अपने ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, ट्रिम हो गया। आप एक मिनट इसको ड्रैग करते हैं हम बाकी रो के लिए। तो आप देखिए अब नरेश कुमार के बीच में जो स्पेस की एरर थी, या सुनीता शर्मा या सुमन पारेख, इनके बीच में जहाँ पर भी स्पेस की एरर थी आप देखिए वो प्रॉपर हो गई है। तो इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है, ट्रिम के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर, प्रॉपर फंक्शन किस काम में आता है उसकी बात करते हैं। तो प्रॉपर फंक्शन आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा, कुछ जगह तो सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, कुछ में क्या है कहीं स्मॉल में है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो रूल होता है वो होता है कि हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होता है और बाकी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो अगर आप इन्हें प्रॉपर सेंटेंस में, प्रॉपर केस में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करें, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट शुरू और आपकी सेल रेंज और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो देखिए प्रकाश कोर में P और K दोनों कैपिटल हो गए हैं, आप इसको ड्रैग कीजिए, मैं अंडू कर रही हूँ एक मिनट। हम जहाँ हमने टेक्स्ट को ट्रिम किया हम वो रेंज लेते हैं ताकि स्पेस वाली एरर ना आए बार बार। तो अब देखिए अब आपका इनके जो नेम है, नेम पे हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो क्या हो गया, कैपिटल। तो ये आपके दो फंक्शन हो गए हैं, फर्स्ट ट्रिम और सेकंड प्रॉपर। जो थर्ड फंक्शन है वो है लोअर। लोअर फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है, आपके जो केस हैं उनको स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगा। इज इक्वल टू लोअर और आप रेंज शुरू सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए अब आपका ये जो सारे नाम है ये किस में आ जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में। क्लियर। तो ये आपका क्या है, लोअर फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से अगला जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, अपर। अपर फंक्शन किस काम में आता है, आप इज इक्वल टू अपर, नाम से ही पता लग रहा है आपको, अपर केस में बदल देगा ये आपके सेंटेंस को या वर्ड को, लेटर को। तो देखिए अब ये आपका क्या हो गया, सारा कैपिटल लेटर्स में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
लोअर अपर लोअर केस में रखना है तो अपर केस में रखना है तो, और प्रॉपर केस में आपने रखना है तो, आप इन तीन कमांड या फंक्शंस की मदद से क्या कर सकते हैं, केस चेंज कर सकते हैं आपको जिस भी केस में रखना होता है। अपर के बाद बात करते हैं लेफ्ट राइट और मिड इन तीन फंक्शंस की। मैं इसको भी हटा रही हूँ। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, ये आपके जो टेक्स्ट है उसका लेफ्ट मोस्ट जो लेटर होता है ये उसको बताता है, इज इक्वल टू लेफ्ट। और आप रेंज सेलेक्ट कीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ आगे कोई रेंज नहीं लिखती, अब मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ, तो ये लेफ्ट लेटर जो फर्स्ट लेफ्ट लेटर था ये उसको बता देता है। ऐसे ही राइट फंक्शन मोस्ट राइट लेटर को डिस्प्ले कर देता है, इज इक्वल टू राइट और आपकी रेंज। तो जो मोस्ट राइट है वो कौन सा है, आर। ए तो है अगर आप डायरेक्ट बिना रेंज के लिखते हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट और ब्रैकेट में आप क्या लिखते हैं, सेल का एड्रेस लिखते हैं, तो वो क्या कर देता है आपका टेक्स्ट को जो मोस्ट लेफ्ट लेटर था। लेकिन अगर मैं लेफ्ट लिखने के साथ इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स लिख दूँ 3, कि मेरे को फर्स्ट जो 3 लेफ्ट लेटर हैं उनके बारे में देखना है, तो देखिए क्लियर। ऐसे ही राइट में भी आप साथ में अगर आप रेंज नहीं डिस्क्राइब करते हैं तो मोस्ट राइट लेटर को डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर आप रेंज डिस्प्ले करते हैं, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ कि मेरे को लास्ट 4 जो लेटर्स हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए राइट साइड से, जो 4 हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, क्लियर। तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे वाले फंक्शन हमारा मिड फंक्शन, तो नाम से पता लग रहा है ये मिडल रेंज को उठाएगा। तो इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले देखो ये आपको कह रहा है टेक्स्ट के लिए, तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। अब आप मान लो मैं सेकंड नंबर से लेकर और फिफ्थ नंबर तक के करेक्टर्स को उठाना चाहती हूँ, तो सेकंड से लेकर और फिफ्थ तक के करेक्टर्स को ये अपने आप उठा लेगा। तो आई होप ये जो मिड है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टेक्स्ट फंक्शंस हैं, ट्रिम, प्रॉपर, लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट और मिड। तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा फंक्शन है वो है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, थोड़ा काम का फंक्शन है ये, आगे भी आपके काम आएगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर आप किन्हीं दो रेंज को जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट शुरू। अब आप किन दो रेंज को या टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा। तो मैंने इन दोनों को जोड़ना है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए दो प्रकाश कौर सुखदेव सिंह ये क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है, और आप इसको क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से सारे जो नेम हैं वो क्या हो गए, जो दोनों आपकी कॉलम्स के टेक्स्ट थे वो क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेट। अपना जो नेक्स्ट है फंक्शन वो है लेंथ, LEN, लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या काम करता है, इज इक्वल टू लेंथ, सॉरी ब्रैकेट शुरू, सेल रेंज, ब्रैकेट बंद। तो टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें, आपने ये जो वर्ड लिख रखा है इसमें कितने टोटल करेक्टर्स हैं, ये उनको क्या करता है, फाइंड करता है। और ये ध्यान रखिएगा ये बीच में स्पेस को भी काउंट करता है, इसमें जो काउंट आ रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स आ रहे हैं, इनके बीच में स्पेस को भी क्या किया गया है, काउंट किया गया। तो ये क्या है, लेंथ। अब ये मत सोचिएगा मुझे लेंथ निकाल कर क्या करना है, आगे जैसे जैसे हम एक्सेल के बारे में करते जाएंगे इनका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी। आज का वीडियो सिर्फ मेरा है कि इनका यूज़ क्या है, आप इनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं या आपके किस किस तरीके से यूज़ में आएगा, ये चीज़ भी हम आगे करेंगे। तो ये आपका लेंथ फंक्शन।
उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड की। तो इज हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइंड की। फाइंड फंक्शन तो इज इक्वल टू फाइंड। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, मुझे यहां से फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है वो हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। मुझे क्या फाइंड करना है, एच, और मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो सॉरी इज इक्वल टू फाइंड, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, एच किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये आपको एच की पोजीशन बता रहा है कि वो सेवन्थ नंबर पे, आप काउंट कीजिए यहाँ से, आप देखिए प्रकाश को काउंट कीजिए आप यहाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो एच जो है वो आपका किस पोजीशन पर है, 7 पोजीशन पर है, क्लियर। तो ये क्या है, फाइंड। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर रही हूँ, मैं यहाँ दोबारा से फाइंड कमांड लगा के दिखा रही हूँ आपको, इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट शुरू, मुझे क्या फाइंड करना है, एन, नरेश का एन फाइंड करना है, किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, इसमें। आप देखिए इसने एरर दे दिया, एरर क्यों दे दिया, क्योंकि हमने जो फाइंड कमांड लगाई है उसमें हमने एन क्या लिखा है, स्मॉल, और आपका जो टेक्स्ट है उसमें हमने एन क्या लिखा है, कैपिटल। तो याद रखिएगा जो फाइंड फंक्शन है वो केस सेंसिटिव होता है, तो ये क्या करेगा आपका, जिस केस में आप लिखेंगे प्रॉपर उसी केस को क्या करेगा, फाइंड करेगा। अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो वो कैपिटल को फाइंड करेगा, अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो वो स्मॉल को फाइंड करेगा। अब हमने वहाँ कैपिटल लिखा हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम आपकी आ गई, तो ये क्या है, एरर आएगी। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो फाइंड की जगह आप क्या फंक्शन यूज़ करें, सर्च। फंक्शन बिल्कुल सेम है, वर्क बिल्कुल सेम है, पर डिफरेंस क्या है, फाइंड क्या है, केस सेंसिटिव है, और जो सर्च है वो केस इनसेंसिटिव है। मैं इसमें भी वही कर रही हूँ, मैं एच फाइंड कर रही हूँ, कोमा किस में फाइंड कर रही हूँ, प्रकाश कोर में, ब्रैकेट बंद करती हूँ, आप देखिए सेवन्थ पोजिशन पर है, और सेम वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सर्च। अब मैं एन यहाँ कैपिटल नहीं लगाऊंगी, मैं आप लोगों को यहाँ एन स्मॉल लगा कर दिखाती हूँ, एन कोमा। अब ये एरर नहीं दे रहा, अब ये इसको क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है, सर्च कर रहा है। तो फाइंड और सर्च में बस इतना ही फर्क है, बिल्कुल सेम है दोनों का फंक्शन, दोनों एक ही काम आते हैं, बट जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है और जो सर्च है वो केस इनसेंसिटिव है। तो आप में से ध्यान रखिएगा कि आपको अगर केस सेंसिटिव ही, मतलब प्रॉपर केस के साथ ही सर्च करना है तो आप फाइंड का यूज़ कीजिए, और अगर आपको केस का कोई इशू नहीं है, सेंसिटिव मतलब वो है कैपिटल है या स्मॉल है, कैसे भी लिखा है आपने, उसको फाइंड करना है तो आप सर्च का यूज़ कीजिए। अपना जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस होता है अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं नए वर्ड के साथ, तब हम रिप्लेस यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू रिप्लेस। अब देखिए ओल्ड टेक्स्ट किस में रिप्लेस करना है, प्रकाश कोर में, कोमा। अब स्टार्ट नंबर मतलब आपने क्या रिप्लेस करना है, मान लो मैंने पी आर ए को रिप्लेस करना है, ठीक है, पी आर ए को मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो एक नंबर से लेकर और तीन नंबर मतलब तीन टेक्स्ट तक मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है, कोमा न्यू टेक्स्ट। अब इनकी जगह आपको टेक्स्ट क्या लिखना है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो नंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट लिखने लगते हैं तो उसको हम डबल क्योट या इन्वर्टेड कोमा आप बोल सकते हैं उसमें लिखते हैं। तो मान लीजिए इसमें मैं ले रही हूँ पी आर ए की जगह वी आई के, क्लियर, और मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब आप देखिए यहाँ पी आर ए की जगह क्या आ गया, वी आई के आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस थे। टेक्स्ट फंक्शंस बहुत हैं एक्चुअली, एक्सेल में हज़ारों फंक्शंस हैं, तो ना तो हम मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं आपको हर एक फंक्शन के बारे में बताऊं, और ना ही ये आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि आप हर एक फंक्शन को याद रख पाएंगे। तो मैं ओनली उन फंक्शंस को या उन फॉर्मूलाज को लेकर चल रही हूँ
जो आपके आगे काम में आएंगे, जब आप ऑफिस वर्क करते हैं या कोई डाटा एंट्री का वर्क करते हैं, तो उस टाइम पे आपके ये फंक्शंस क्या आएंगे, काम में आएंगे। तो उन उन फंक्शंस को मैं लेकर चल रही हूँ। अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, मैं उस फंक्शन के रिगार्डिंग आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूँगी। तो ये हमारे क्या है, टेक्स्ट फंक्शन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम आज जो करेंगे वो क्या करेंगे, डेट फंक्शन। आज हमने जो करने हैं वो क्या है, डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन के बारे में बात करें, मतलब डेट एंड टाइम से रिगार्डिंग जितने एक्सेल में फंक्शन हैं वो क्या कहलाते हैं, डेट फंक्शन। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं टुडे। तो देखिए, इज इक्वल टू टुडे और ब्लैंक ब्रैकेट को मैं बंद कर रही हूँ और एंटर प्रेस करूँगी, तो आज का जो डेट है वो क्या आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा। उसी तरीके से इज इक्वल टू नाउ, ब्लैंक ब्रैकेट पे एंटर प्रेस कर दीजिए, तो डेट के साथ जो आपका आज का टाइम है वो भी क्या आने लग जाएगा, आपका डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो अगर आपको ओनली डेट डिस्प्ले करानी है, सिस्टम की करंट डेट आपके कंप्यूटर पे जो करंट डेट वाला है, अगर वो करंट डेट आपने अपने एक्सेल की शीट में प्रिंट करवानी है, तो आप फंक्शन यूज़ करें टुडे, या आप उसको टुडे बोलते हैं। और जो डेट एंड टाइम अगर आपको दोनों चाहिए, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, नाउ। क्लियर? तो ये आपका डेट है और ये आपका डेट एंड टाइम दोनों है। अब बात करते हैं डे। अब कई बार अब प्रॉब्लम ये है, जैसे डेट एंड टाइम तो आ गया, ओके है, मैंने ये लिखा हुआ है 2/8/1990। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि इसमें डेट कौन सी है और मंथ कौन सा है। ये भी हो सकता है कि ये 2 अगस्त हो, और ये भी हो सकता है कि ये 8 फरवरी हो। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो सिस्टम है वो 2 को डेट मान रहा है या 2 को मंथ मान रहा है? तो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद। तो ये क्या कर रहा है, जो डे मतलब डेट मान रहा है, वो किसको मान रहा है, 8 को। मतलब ये वाला जो डेट है ये क्या है, 8 फरवरी। आप देखिए, इज इक्वल टू मंथ, इसमें मंथ कौन सा है, तो इसमें मंथ कौन सा है, 2, यानी ये फैब है। तो ये पहले मंथ ले रहा है, फिर डेट ले रहा है, और उसके बाद क्या ले रहा है, ईयर। तो ये आपका डे फंक्शन है, ये आपका मंथ फंक्शन है, और ये आपका ईयर फंक्शन है। अब देखिए, जहाँ पर अब कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगा हुआ है और आप उस सेल को एक्टिव कर देते हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो फंक्शन या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार में शो करने लग जाता है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, या मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, कंट्रोल के साथ आप टिल्ड प्रेस करें, आपने जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला या फंक्शंस लगा रखे हैं वो सारे फॉर्मूला और फंक्शन वो आपको दिखाने लग जाएगा। तो कंट्रोल और टिल्ड, टिल्ड कौन सा होता है, आप लोगों को ध्यान होगा, ये वाला जो आइकन साइन होता है ये क्या होता है, टिल्ड। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है ये क्या है, टिल्ड। तो कंट्रोल के साथ अगर आप इसको प्रेस करते हैं, तो आपके सारे शीट में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो एक साथ डिस्प्ले कर देता है। और अगर आप प्रॉपर किसी एक सेल में लगे हुए फॉर्मूला को देखना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला बार में उसको देख सकते हैं। तो ये आपके डेट फंक्शन है, टुडे, नो, नाउ, डे, मंथ और ईयर। लास्ट हमारा जो आज का फंक्शन है वो है डेट। अगर आपने क्या करना है, आपको मान लो आपने क्या किया है, कहीं डाटा एंट्री की है, वहाँ पर आपने डे का कॉलम अलग बनाया है, मंथ का अलग बनाया और ईयर का अलग बनाया, और अगर आपने उसको कंबाइन करना है, तो आप कैसे उन फॉर्मेट्स को कंबाइन कर सकते हैं, वो इस तरीके से, ईयर, मंथ और डे। तो आपकी वो डेट आपके सामने आ गई। तो ये टेक्स्ट और डेट फंक्शंस हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक्सेल में हज़ारों फंक्शंस हैं, हम सबको नहीं लेकर चल सकते। आपके काम
के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके काम आएंगे, मैं उनको वीडियो में फोकस कर रही हूँ। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी और ऐसा फंक्शन जो आप मुझसे समझना चाहते हैं और मैं आपको वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ, आप उसको कमेंट करें ताकि मैं उस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। तो आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक था टेक्स्ट और डेट फंक्शंस, वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम कुछ काउंट फंक्शंस करेंगे, तो मैथमेटिक्स फंक्शन हम उन्हें बोल सकते हैं, कल हम उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं MS Words के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिंक डाल रही हूँ। आप उसे मान सकते हैं कि वो आप लोगों का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है या ऑनलाइन टेक्स्ट है, तो आप उसको भी ज़रूर करके देखें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि MS Word में किस तरीके के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।